इस समय देश के कई हिस्से बारिश की वजह से बेहाल हैं। आपने खबरों में देखा ही होगा कि कैसे बाढ़ ने कई जगहों पर तबाही मचाई हुई है। लेकिन बारिश की वजह से होने वाली बर्बादी की सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी जगह को लेकर हुई तो वो है अयोध्या। खबरों में आपने ये जरूर देखा होगा कि किस तरह अयोध्या में कई सड़कें जो नई बनी थी और खास तौर पर राम मंदिर की ओर जाने वाली जो सड़कें जिनकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसकी तमाम तस्वीरें आपने टीवी पर देखी होंगी, उनमें से कुछ सड़कें बिल्कुल धराशायी हो गई और बारिश की पहली मार ही नहीं झेल सकी। लेकिन आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अयोध्या में सड़कों के धसने को लेकर एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको अगर आपने देखा होगा तो आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में दिखता यह है कि एक महिला बारिश से भीगी हुई सड़क पर पैदल चलती हुई जा रही है और अचानक उसके पांव के नीचे जो पक्की सड़क है वो इस तरह से धंसती है और वो महिला पूरी की पूरी उस गड्ढे में नीचे समा जाती है जहां पर पानी भरा हुआ है। अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वाकया दरअसल अयोध्या में हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या का ये हाल है और पहली ही बारिश में अयोध्या की सड़कें, जिसकी देश दुनिया में खूब चर्चा हुई थी, उनका ये हाल हो गया। लेकिन जब हमने इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि सच्चाई कुछ और है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि अयोध्या में भी कई जगहों पर सड़कें तहस नहस हुई हैं। बारिश की मार से अयोध्या की कई सड़कें जो नई बनी थी वो सचमुच खराब हो गई हैं, टूट फूट गई हैं। लेकिन जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, जिस वीडियो को लोग अयोध्या का बता रहे हैं, जब हमने उसकी जांच की तो ये पता चला कि इस वीडियो का अयोध्या से कहीं कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये घटना 2 साल पहले जून 2022 में ब्राजील के कास्कावेल शहर में हुई थी और जिस महिला को आप इस वीडियो में गड्ढे में समाता हुआ देख रहे हैं उनका नाम मारिया रोजलिन है। ब्राजील के अखबारों में छपी खबर के मुताबिक जिस जगह पर महिला के साथ ये दुर्घटना हुई वो सड़क असल में कुछ दिनों पहले ही बनी थी और जब बारिश हुई तो वहाँ सड़क के नीचे की जमीन पूरी तरह से गायब हो गई और जब महिला वहाँ से गुजरी तो उस गड्ढे में गिर गई। यानी ये जो सनसनीखेज वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी सच्चाई ये है कि वो वीडियो ब्राजील का है। सड़कें टूटने की घटना अयोध्या में भी हुई है, लेकिन कम से कम इस वीडियो का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है।